हजारों सालों से हिमालयों में योगी तपस्या कर रहे हैं और वो अपने तपस्या में इतना लीन है कि उनको पता तक नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है और कितने साले गुजर गए। ये तो बातें हो गई हमारे हिमालयों में रहने वाले योगियों की जो कि एक्सट्रीम फ्लो स्टेट में जा चुके हैं। हम बात करते हैं सदगुरु की, ईसा फाउंडेशन के फाउंडर की। एक बार की बात है, वो गए थे ध्यान करने, एक जगह पे बैठे, सोचे कि 15-20 मिनट करूंगा ध्यान, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तब 13 दिन गुजर चुके थे, 13 दिन, और वो बेसिकली एक्सट्रीम फ्लो स्टेट में जा चुके थे। मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं है ना, खुद सदगुरु के मुंह से ही सुन। वंस इट हैपेंड आई सैट डाउन वे बैक लेकिन हम इतना एक्सट्रीम फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते, हमारे पास इतना शक्ति है ही नहीं, लेकिन हम फ्लो स्टेट में जा सकते। ये फ्लो स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जहां आप एकदम अपने काम में डूब जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। और इस स्टेट में ना आप अपने शरीर में अपनी एनर्जी को फ्लो होने देते हैं और वहां से ऐसी चीजें निकल के आती है ना कि जो आप शायद नॉर्मल स्टेट में सपनों में भी उसको प्रोड्यूस या क्रिएट नहीं कर सकेंगे। बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो निखर के बाहर आता है, निखर के। अब आप इस स्टेट में जाएंगे कैसे, फ्लो स्टेट में कैसे जाएंगे आप, उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने बारे में जानना है, आपको अपना स्किल्स पता करना है, आपको अपना औकात पता करना है। देखिए चाणक्य ने भी कहा है कि आप अपने दुश्मन को नहीं जानते, आप हारेंगे, आप अपने आप को भी नहीं जानते, आप हमेशा ही हारेंगे। इसीलिए पहले आप अपने आप को जानिए कि आपका स्किल क्या है, अब उसी स्किल के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मुश्किल काम करें, मुश्किल करते ही आप फ्लो स्टेट में चले जाएंगे। बेसिकली कहानी ये है ना कि आप अपने शक्ति से कम काम करेंगे तो बोर हो जाएंगे, अपने शक्ति से बहुत ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मुश्किल काम करेंगे तो आप थक जाएंगे और छोड़ देंगे। इसलिए अपने शक्ति से थोड़ा ही मुश्किल काम करें कि आप थोड़ा सा चैलेंजिंग फील करें और अपना फ्लो स्टेट में जाएं और वो अचीव करें जो आप सपनों में भी नहीं सोचा है आपने। आप सुने ही होंगे कि भगवान तक पहुंचने का हजारों रास्ते हैं, उनमें से दो मेन है, एक कर्म योग मतलब काम करके, दूसरा ज्ञान योग ध्यान करके। वैसे ही इस फ्लो स्टेट तक पहुंचने का चार रास्ते हैं, चारों में से कोई एक पकड़ लीजिए आप वहां पहुंच जाएंगे। पहला रास्ता मोनास्टिक अप्रोच, इसमें ये होता है कि आप अपने घर बार छोड़ के चले जाते हैं एकदम दूर इलाके में, जैसे पहाड़ हो गए, हिमालयों में चले जाते हैं और आप अपने वहां बैठ के आप अपना काम करते हैं, पूरा काम में डूब जाते हैं और ऐसा रिजल्ट निकालते हैं जो दुनिया के लोगों के लिए सपनों में भी संभव पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये अप्रोच में प्रॉब्लम जानते हैं क्या है कि हम ज्यादातर लोग अपने परिवार के बंधनों में या रेस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हैं और हम ये काम नहीं कर सकते और ये रास्ता सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा रास्ता बाई मॉडल अप्रोच, जिसमें क्या होता है कि आप कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए या महीनों के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं और वहां आप अपना काम करके, काम में डूब के अच्छा रिजल्ट निकाल के वापस अपने परिवार में आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ जीवन बिताते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं तो हैरी पॉटर की एक जो राइटर थी ना, वो अपनी किताब लिख नहीं पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक होटल बुक किया, पूरा अपना बुक कंप्लीट किया और उसके बाद वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ गई। तीसरा अप्रोच रिदमिक अप्रोच, ये अप्रोच ज्यादातर लोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दिन भर में 24 घंटा होता है, ठीक, उस 24 घंटे में से आपको 3-4 घंटा निकालने अपने लिए और उस 3-4 घंटे में जैसे सुबह 6-10 हो जाता है या फिर दोपहर के 1-5 हो गया, जो भी टाइम आपको सूट करता है
वो चूज करे और उसमें आप अपना पूरा ताकत झोंक दें और आप उसमें फ्लो स्टेट में चले जाएंगे। और उस टाइम में ना आप दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जिस काम को आपको करना है। और आता है लास्ट चौथा अप्रोच, जो कि है जर्नलिस्टिक अप्रोच, जिसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे टाइम में, जैसे 15 मिनट 30 मिनट के टाइम में आप फ्लो स्टेट में चल जाते हैं, अपने काम में डूब जाते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दूं, 2020 के ना यूपीएससी टॉपर डॉक्टर अक्षिता गुप्ता ने, बेसिकली वो हॉस्पिटल में 14-14 घंटा काम करते थे, लेकिन जो हॉस्पिटल में जो काम करते थे, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता था ना, उस ब्रेक में उन्होंने यूपीएससी का तैयारी किया। और क्या हुआ, फ्लो स्टेट में जाते वो काम की और उन्होंने यूपीएससी टॉप कर दिया 2020 के। तो है ना कमाल की बात। आप अपने नेचर के अनुसार, कि आप जैसे हैं उसके अनुसार ही चारों में से कोई एक रास्ता चूज कर लीजिए, या फिर एक या दो भी चूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली रिदमिक अप्रोच चूज करता हूं, और ऐसे करके आप फ्लो स्टेट में जाइए और ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करिए। अपना जो दिमाग का जो ताकत है उसको खुल के निखर के बाहर आने दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। और मैं भगवद गीता का एक रेफरेंस दूं, भगवद गीता में ना श्री कृष्ण ने कहा है कि आप लॉजिक पे ध्यान ना दीजिए, इमेजिनेशन पे दीजिए। और यही बात आइंस्टाइन ने भी कहा है, इसीलिए आइंस्टाइन ना फ्लो स्टेट में जाके इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर चुके। जो न्यूटन था उसका 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 हटा के अपना डिस्कवरी आगे ऊपर लेके आए। सो फ्लो स्टेट में जाना ही जाना है, बड़ा काम करना है ना जिंदगी में, तो फ्लो स्टेट में जाना ही जाना है। चलिए, धन्यवाद आपका।